बालको प्रबंधन ने 34 कर्मचारियों को माह का श्रेष्ठ कर्मचारी का पुरस्कार दिया। जून और जुलाई 2006 के दौरान चुने गए कर्मचारियों को 5,000 रुपये नकद और प्रशस्ति पत्र दिए गए। इस बार प्रबंधन ने प्रोत्साहन योजना का दायरा विस्तृत करते हुए पुरस्कृत कर्मचारियों के परिजनों को भी उपहार भेंट किए। पुरस्कृत कर्मचारियों और उनके परिजनों ने बालको प्रबंधन की इस नई प्रोत्साहन योजना की सराहना की है। माह का श्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बालको के मुख्य वित्त अधिकारी श्री वी रामनाथन थे। उन्होंने पुरस्कृत कर्मचारियों को बधाइयां दी। श्री रामनाथन ने कहा कि हमारे टीम वर्क से निश्चित ही बालको नई ऊंचाइयों को छुएगा। रिसीविंग दिस अवार्ड अलोंग विद योर स्पाउस और फैमिली मेंबर्स एंड कंटिन्यूड पार्टिसिपेशन इन योर सक्सेस विल डेफिनेटली मेक दिस प्रोग्राम अ ग्रैंड सक्सेस। I take this opportunity to congratulate our environment team for bagging prestigious Green Tech Environment Excellence Golden Award for second year in succession, and Balco has been selected as first runner for National Safety Award for 2005 declared by the Ministry of Labour. Well done. In this occasion, I am proudly announcing our company has been selected one among the top 100 companies in India in IT implementation by IDG International Data Companies. Mr. Subrato, Directly Head IT, has been honored as JEE 100 Honor in 2006 during the recent concluded summit at Mumbai, wherein more than 600 companies in India have been participated. I hope this month we are expecting commendable performance from all the functional areas, alumina, smelter, fabrication and marketing, so that this quarter performance should surpass all the records. At the same time, we all should keep in mind COP also should bring down. Once again, I congratulate all of you for your wonderful initiatives and thank all of you for giving me this opportunity. Best of luck. स्मेल्टर 2 के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रमोद सूरी ने बालको प्रबंधन की नई प्रोत्साहन योजना की तारीफ करते हुए कहा कि बालको कर्मियों को उनके परिजनों के साथ पुरस्कृत करने से उनमें नए उत्साह का संचार होगा और वे कार्यस्थल पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। आज बहुत ही खुशी का दिन है और सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे फैक्ट्री परिसर में हमारे जो श्रेष्ठ कर्मचारी हैं पिछले 2 महीनों के, उनके परिवारजन भी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई है जिसके लिए हमारा जो HR डिपार्टमेंट है वो बधाई के पात्र है। पिछले कई सालों से ये परंपरा चल रही थी कि हमारे जो कर्मचारी भाई श्रेष्ठ कार्य करते हैं, कुछ अलग लीक से हटके कंपनी की उन्नति के लिए कोई बढ़िया काम करते हैं, हम उन्हें वक्त पर सम्मानित करते थे। लेकिन आज पहली बार उनके पीछे की जो प्रेरणा है कि कोई भी आदमी अगर काम करता है तो उसके पीछे उसके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहता है, और जब उनको सम्मान मिलता है तो वो सम्मान अगर उनके परिवारजन के सामने मिले तो इससे उनकी खुशी दुगनी हो जाती है। और यही नहीं, बाकी सब लोग जो भी हैं उनको भी एक प्रेरणा मिलती है कि अगली बार हम भी अच्छा काम करेंगे। तो मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी मैनेजमेंट की तरफ से उन सभी परिवारजनों को ये हार्दिक बधाई देता हूँ कि उनके साथियों ने जो यहाँ पे इतने अच्छे कार्य किए और ये सम्मान के जो वो भागीदार बने उसके लिए उन सबको बधाई। आज हमारे प्लांट में ऐसे कई फोरम बनाए जा रहे हैं जिससे कि कर्मचारियों का मार्गदर्शन होता है, जैसे नवचेतना है, क्वालिटी सर्कल है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी में आपको सहायता देंगी कि आप और आगे किस तरह से अच्छा अच्छा काम करना है उसमें बढ़ावा मिले और आप इसका पूरा फायदा उठाइए। एक बार फिर मैं अपनी तरफ से आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। संयंत्र 1 के महाप्रबंधक श्री एडवर्ड राय ठाटा ने बालको कर्मियों की एकजुटता की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारे टीम वर्क से ही बालको प्रबंधन के उत्पादन और गुणवत्ता में लगातार इजाफा हो रहा है। I am very proud to say that plant 1, be it the alumina, be it the smelter, be it the fabrication complex,
people have really come together, they have joined hands and they have brought about so many changes, so many improvements in all walks of life in our plant. As a result of which, you can see that our plant have already surpassed our capacity in the previous year, and in this year also, I assure on behalf of everybody that we will be achieving our goals and targets which we have achieved. Thank you. बालको की प्रतिनिधि यूनियन इंटक के महासचिव श्री वी के शर्मा ने भी बालको की नई प्रोत्साहन योजना की सराहना की। आज जो एक नई परंपरा की शुरुआत की गई है कि जिन कर्मचारियों को यह सम्मान दिया जाता है उनके परिवारों को भी इसका एहसास हो, ये एक स्वस्थ और अच्छी परंपरा है। निश्चित ही ये कर्मचारियों को बालको प्रबंधन ने जून और जुलाई 2006 के बीच चुने गए 34 कर्मचारियों को माह का श्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार दिया। कर्मचारियों के साथ उनके परिजनों को भी प्रबंधन ने उपहार भेंट किए। बालको कर्मियों और उनके परिजनों ने प्रबंधन की नई प्रोत्साहन योजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रबंधन के इस कदम से बालको कर्मियों में नए उत्साह का संचार होगा। ये आज का इनाम बहुत ही अच्छा था, ये हर गृहिणी के लिए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा आगे भी होना चाहिए, सबको बारी बारी से ऐसा मिलना चाहिए, ये सभी के लिए तो अच्छी बात है। आज तो ये पुरस्कार मिल के बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हो।